नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज 17 नवंबर 2022 गुरुवार, और आज के दिन से शिक्षा विभाग की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनेगी सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पदों के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। जी हाँ फ्रेंड, परीक्षा के लिए 18 नवंबर से 27 नवंबर रात्रि 2:12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे फ्रेंड्स। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्रेंड्स देख सकते हैं 24 पदों के लिए भर्ती है फ्रेंड्स। राजस्थान में बेरोजगार युवकों के साथ बार बार हो रहा छलावा। गेस्ट फैकल्टी हजारों बेरोजगारों ने बड़ी दौड़ भागदौड़ के साथ आवेदन किए, लेकिन राज्य सरकार ने रोक लगा दी। इस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को एक आदेश से बाहर कर दिया। प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा संपादित अंग्रेजी में 33.43% तथा सामान्य व्याकरण में 38.58% ने दी परीक्षा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 सामान्य ज्ञान में 43.22, हिंदी में 45.89% ने दी परीक्षा। जोधपुर, न्यू परिणाम देने वाले जिले के 9 स्कूल संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस। राज्य में 9,000 डॉक्टरों को चाहिए सेवा। चिकित्सा अधिकारी के 7,765 पदों के लिए 5 गुना से ज़्यादा आवेदन। सरकारी नौकरी के लिए डॉक्टरों की कतार, 4,000 रिक्त पद भरे सरकार। नौकरी नहीं मिली तो जाएंगे निजी में। सभी रिक्त पद भरे, सर्जित पद भी बड़े फ्रेंड्स। विदेश से आ रही सीटें भी बढ़ रही है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। 719 संस्था प्रधानों को परिणाम कम रहने पर कारण बताओ नोटिस। बीकानेर में कक्षा 12 व 10 के कमजोर स्कूल, यह देना होगा स्पष्टीकरण। 15 दिन में देना होगा जवाब। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम, शिक्षा मंत्री को सौंपा प्रमाण पत्र। वर्ल्ड रिकॉर्ड AI से जांचे 1.35 करोड़ उत्तर पत्रक, देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री को प्रमाण पत्र सौंपते प्रतिनिधि। राज्य में 9,000 डॉक्टरों को चाहिए सरकारी सेवा फ्रेंड। सरकारी नौकरी के लिए डॉक्टरों की कतार, 4,000 रिक्त पद भरे सरकार। सरकार के पास बड़ा मौका, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों के राहत देने का। नौकरी नहीं मिले तो जाएंगे निजी में फ्रेंड्स, देख सकते हैं। 1289 नर्सिंग ऑफिसर और 2020 फार्मासिस्टों की होगी भर्ती, देख सकते हैं फ्रेंड्स। भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर शाम 4 बजे से 23 दिसंबर के मध्य रात्रि 12 बजे तक। फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिया है फ्रेंड्स, उससे जाकर कर सकते हैं आप। प्रदेश में 70 लाख विद्यार्थियों को मिलनी है यूनिफॉर्म। 200 रुपये सिलाई के चक्कर में पढ़ाई रुकी, अभिभावक परेशान। बोर्ड में बेहतर परिणाम नहीं देने पर 619 प्रिंसिपलों को कारण बताओ नोटिस। प्रदेश में इतने विद्यार्थी, अलवर जिले में यह उपस्थिति, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यूथ पर आयोग की भी निगाह, साला दर्पण बना सहारा। नीट UG 2022 राउंड सेकंड में भाग लेने के लिए एंट्री टिकट अनिवार्य है। ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिले के 20 केंद्रों पर 5,072 विद्यार्थी पंजीकृत है। NMMS की परीक्षा पहले आज होनी थी, अब होगी 15 जनवरी को। छात्रवृत्ति के लिए 55% अंक जरूरी। सेट और मेट के होंगे पेपर, पूछे जाएंगे 180%, देख सकते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट फाइल, प्रतिवर्ष कुल आवेदन कितने में कितने का चयन हुआ, छात्रवृत्ति वर्ष और कुल आवेदन और जिले में चयन फ्रेंड्स, पूरी न्यूज़ आपके सामने है। अनुपस्थिति अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कल, अजमेर। सहायक संघ के अधिकारी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन संशोधन आज तक है। BEd कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का मामला, अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान, हमें घोषणा की आवश्यकता नहीं। हाई कोर्ट, बीकानेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वन पॉलिसी दी भर्ती परीक्षा फ्रेंड। परीक्षा की दिनांक 6 नवंबर 2022, परीक्षा कोड प्रथम चरण 129 और 129 भी फ्रेंड्स। इसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है फ्रेंड्स। अपलोड कर परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण, जयपुर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में बदनाम नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के कुल पदों की संख्या, आवेदन। प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा संपादित। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित, जी हाँ फ्रेंड्स। इसके दस्तावेजों का स्थापन, देख सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन 2 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक गुरु नानक भवन संस्थान राधा स्वामी संस्थान व्यास के सामने, देख सकते हैं, जयपुर में किया जाएगा। पूरी न्यूज़ आप आराम से वीडियो रोक कर फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ये वन पाल भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा फ्रेंड्स वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है फ्रेंड्स। और इसकी ऑनलाइन आपत्ति 18 नवंबर तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। दलित शोषण मुक्ति मंच एवं राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। संविदा सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने पर जताई खुशी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अलवर विद्या संबल योजना स्थगित, जिले के 45,000 रीट एवं बीड़धारी बेरोजगारों को झटका, टीचर मिले न रोजगार। 20-20 स्कूलों में भटके, 3-3 हज़ार खर्च कर चुके थे अभ्यर्थी। अर्धवार्षिक परीक्षा अगले माह, कोर्स अधूरा क्या होगा, देख सकते हैं। 46,000 श्रेणी शिक्षक फ्रेंड से। गैस फैकल्टी क्यों जरूर थी बच्चों बेरोजगारों के लिए, यह विकल्प था, इनकी उम्मीद टूटी, दूसरे जिलों में गई तो ताकि नंबर आ जाए। शिक्षा में बढ़ते कदम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के दूसरे चरण की परीक्षा 17 से 20 दिसंबर को, 8वीं तक के स्टूडेंट को 5 महीने पढ़ना होगा पिछला कोर्स है। कोरोना काल के लॉस को पूरा करने की कवायद, देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरी न्यूज़। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के गृह जिले द्वितीय श्रेणी के अंक भी नहीं ला पाए, अक्टूबर माह की जारी रैंकिंग देख सकते हैं। राजस्थान स्कूल परिषद ने जारी की 2022 अक्टूबर की रैंकिंग, संभाग का प्रदर्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रतापगढ़ 3 और चित्तौड़गढ़ 1 पायदान लुढ़का, संभाग में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का रहा सबसे खराब प्रदर्शन, पूरी न्यूज आपके सामने। रीट L2 पद बढ़ोतरी के मामले में शिक्षा मंत्री BD कल्ला से छात्रों ने मुलाकात की। मंत्री BD कल्ला ने कहा, शाम हमने समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारी को बोल दिया, जल्दी पदों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरी न्यूज। इग्नू में जनवरी सेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। जनवरी 2023 में सेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है फ्रेंड, हो जाएगी। JEE Main का फेक नोटिस हुआ जारी, सही जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट पर रहें अपडेट फ्रेंड्स, जिसमें दिया देख सकते 50,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश मिलेगा, ये फेक न्यूज दी हुई है। उप प्रधानाचार्य के आधे पदों पर हो सीधी भर्ती फ्रेंड्स, रेशा ने निदेशालय को भेजे प्रस्ताव, 50% सीधी पदों में माध्यम से भरने का सुझाव, और फ्रेंड्स रिक्त पदों की पदोन्नति और अनुपात 50-50 करने का नहीं के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए थे फ्रेंड्स। और बैठक में फ्रेंड्स प्रस्ताव पारित करें, सीधी भर्ती पदोन्नति का अनुपात 50-50 रखने को निदेशक को सुझाव भेजने का निर्णय किया गया फ्रेंड्स। और ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स, रोजाना आपको नोट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के दिन से शिक्षा विभाग की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सके इस वीडियो में डिस्कस किए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिला मुझे सामने, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट तो कर देना फ्रेंड्स, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है। तो दोस्तों जैसे ही आगे जो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।